फ्रेंड्स, आज हम आपको ये नया डिज़ाइन बता रहेंगे जो कि आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा तब ये डिज़ाइन आप बना पाएंगे। चलिए आपको डिज़ाइन बताना शुरू करते हैं। देखिए, पहले हमने ये जो है 7 रो की बुनाई कर लिया है और 1 रो जो है फर्स्ट रो हमने जो एक्स्ट्रा बुनाई किया है इसको जो है आप ऐसे बुनाई कर लीजिएगा 7 रो। इसके बाद जो है आपको डिज़ाइन बनाना है, तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसे ये डिज़ाइन बनता है। और बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनेगा, ये बच्चों में और लेडीज़ में बहुत ही सुंदर लगता है डिज़ाइन। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम पहले फंदे को उतार लेते हैं और इसके बाद 1 2 3। अब एक हमने साइड का फंदा उतारा हुआ है और 3 जो है हमारे सीधे फंदे बुन लिए हैं। अब देखिए, हम आपको सेकंड कलर आप यहाँ पर लगाएंगे और आपको अब हम ये सेकंड कलर इसमें ऐड करेंगे। तो हमने ये सेकंड कलर इसमें ऐड कर लिया। अब इससे हम जो है देखिए बुनाई करेंगे। तो हमने जो है देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे दिख रहा है आपको, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, सातवें में ऐसे इसको सिलाई को डालेंगे और ये जो हमारा सेकंड कलर हमने ऐड किया है इससे हम बुनाई करेंगे। अब इसको हम थोड़ा ऐसे लंबा खींच लेते हैं। देखिए, तो हमने यहाँ से 1 लिया, देखिए यहाँ पर दूसरे जो रॉ बुनाई हुई है उसमें से फिर हम दूसरी बार इसको निकालेंगे। देखिए, 2 बार हमने निकाला, एक बार देखिए एक तरीके से इस तरह सिलाइयों से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको सिलाइयों से प्रॉब्लम होती है, अगर क्रोशिया चलाना आता है, तो आप इससे भी देखिए ऐसे करके इससे भी आप ऐसे बुनाई करके निकाल सकते हैं। जैसा कि आपने देखा, ऐसे बुनाई करके निकाल के आप सिलाइयों पे ऐसे डाल दीजिए। इस तरीके से भी आप बुनाई कर सकते हैं। अब देखिए, हमने 1 2 3 3 बार निकाला। अब देखिए, ये चौथे में हम ऐसे फिर इसको डालेंगे, ऐसे ऐसे निकाल लेंगे। तो इसको थोड़ा सा हम ऐसे लूज कर लेंगे। तो देखिए, हमारे 4 हो गए, 1 2 3 4। अब देखिए, तीसरे में हमने ये डाला 4, ये हमने देखिए अब देखिए हमारा ये 4 बार निकाला, ये पांचवें में हमने फिर इसको ऐसे किया। आप चाहें तो क्रोशिया से आप निकाल सकते हैं, अगर सिलाइयों से नहीं निकाल सक पाते हैं तो। देखिए, 1 2 3 4 5 बार हुआ। ये 6ठी बार हमने इसमें डाला, देखिए 6ठी बार, और ये हमारा जो है 7वें में हमने ये डाल लिया। देखिए, हमारे 7 बार हमने 7, इसीलिए 7 रो हम लोग बनाते हैं। देखिए, ऐसे होता जाएगा, लास्ट में हम इसको भी हम बुनाई कर लेंगे। अब देखिए, हमारे ये बुनाई हो गए। तो हमारा जो ये फर्स्ट फंदा है,
देखिए जो हमारा फर्स्ट फंदा है इसको हम ऐसे ऊपर से ऐसे कर देंगे, ठीक। फिर हम सेकेंड फंदे को, जो हमारा ये सेकेंड फंदा है, जो हमारा सेकेंड फंदा है इसको हम इसके ऊपर से ऐसे लाएंगे। देखिए दो बार हमने किया, ये तीसरा फंदा हम इसके ऊपर से लाए, ये तीन बार हुआ, ये चौथा फंदा हम इस पर से लाएंगे, चार बार हुआ, और ये पांचवा फंदा हम इस पर से ऐसे निकालेंगे ऊपर से। और देखिए और हमारा ये तीन फंदा और बचा है, तो हम इसको देखिए एक इसको ऐसे करके सभी फंदों को बारी बारी से हमें ऐसे करके कर देना है और हमारा एक फंदा ये बच जाएगा। अब देखिए कितना खूबसूरत ये ब्यूटीफुल पत्ती बना हुआ है। आप अगर जैसे कि पतले ऊन से बनाते हैं तो पतली पत्तियाँ, तो देखिए ये हमारी पत्ती बन के तैयार हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है, येलो कलर आपको लेना है। येलो कलर लेने के बाद फिर देखिए पांच फंदे हमें सीधे बुनाई करने, एक, तो आपको क्या करना है कि ये फंदा ऐसे लेने पे तो छूट जाएगा, तो इसको ऐसे इसके ऊपर से करने के बाद तब इसे बुनाई कीजिए। देखिए हमने दो फंदे बुनाई किए, फिर इसको ऐसे ऊपर लिया, यहाँ से किया, तीन फंदे बुनाई किए, इसको ऐसे किया, ये हमारे चार फंदे हुए। अब देखिए ये हमारे ये पांच फंदे हो गए। देखिए अब हमारे देखिए ऐसा करने से ये सेकंड कलर हमारा इसमें पता भी नहीं चल रहा है और यहाँ पास में आ गया है। तो हम क्या करते हैं, देखिए ये डिजाइन बन गया। अब जो सेकंड डिजाइन हम बनाएंगे, अब देखिए एक दो तीन चार पाँच, पाँच फंदा हो गया। अब हम छठे फंदे पर इसमें जो है डिजाइन बनाएंगे। देखिए तो कौन सा है, एक दो तीन चार पाँच छः, ये सातवां, सातवें में जाना है, ये जो सातवां रो है इसमें जाएंगे हम पर्पल कलर से, फिर ऐसे बुनाई करके ऐसे लाएंगे और इसे थोड़ा सा और लूज कर देंगे, थोड़ा इसे बड़ा कर देंगे ऐसे। अब देखिए हमने फर्स्ट निकाला, अब हम सेकेंड में, सेकेंड में ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे सिलाई को डालेंगे और सेकेंड रो से हम ऐसे दोबारा हम इसको निकालेंगे, इसे लूज कर लेंगे, थोड़ा इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए इससे थोड़ा सा ये टाइट हो गया है फ्रेंड्स, इसे लूज कर लेते हैं, फिर हम इसे भी लूज कर लेते हैं थोड़ा। ये हमने दो दो फंदे निकाले हैं। अब देखिए ये तीसरा में हमने ऐसे किया, इसी तरह हमें शेवन रॉ अगर बुनाई करके ऐसे एक एक करके, अगर आप चाहें तो क्रोशिया से भी आप इसे निकाल सकते हैं। देखिए तीन हुआ, ये चार हुआ, थोड़ा सा इसे लूज कर दीजिए ऐसे, देखिए चार हो गया, और इसमें देखिए ये पांच हुआ, इसे हम लूज कर देते हैं, ये पांच हुआ और ये छठी बार हम ऐसे निकालते हैं और ये हम सातवें में
निकालते हैं और ये लास्ट का हम इस जिस फंदे के सिध में हमने किया हुआ है उस फंदे को हम बुनाई कर लेंगे। अब जो जिस फंदे को हमने बुनाई किया है उस पर हम बारी बारी एक एक करके ऐसे ऐसे लाएंगे। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, और ये सात। देखिए, ये पत्तियाँ बनकर तैयार हो गई। देखिए कितना प्यारा ये डिजाइन बनकर आ रहा है। अब फिर हम इस कलर से पांच फंदे सीधे बुनाएंगे करेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच। पांच फंदा हमने सीधा बुनाई किया। अब छठे फंदे में फिर हमें जो है यहाँ यहाँ से ऐसे करके लाना है। अब देखिए, हमने इसको बुनाई नहीं किया तो अब हमारा ये ऐसे सीधा आएगा। हमने आपको दोनों तरीके से, देखिए ऐसे आ जाएगा तो यहाँ पर ये जो है ऐसे ये धागा आएगा। तो इस धागे को अगर ऐसे करना है तो देखिए, तो इसको लूज कीजिए ऐसे, फिर देखिए सेकेंड में आप डालिए ऐसे। हम पैटर्न रिपीट कर दे रहे हैं, देखिए इसमें। अगर आप सिलाइयों से नहीं कर पाते हैं, क्रोशिया से लाना आता हो तो आप क्रोशिया से भी इसे आप बुनाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको मैंने दो तरीके से बता दिया, आप क्रोशिया से भी ऐसे निकाल के ऐसे डाल सकते हैं। इससे जो है थोड़ा सा आपको बनाने में आसानी होगी। और अगर आप चाहें तो सिलाइयों से ही निकाल सकते हैं, क्रोशिया चलाना नहीं आता हो तो आप सिलाइयों से ऐसे निकाल निकाल के डाल सकते हैं। और अगर क्रोशिया चलाना आता है तो आप इससे डालिएगा, आपको आपका समय का बचत होगा और जल्दी भी हो जाएगा। देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, और ये हमारा लास्ट का सातवां होल है। इस होल से हम निकालेंगे। देखिए, हमने सातवें होल से हमने निकाला। ये हमने सातवें होल से निकाल लिया। अब इसके बाद जो है, अब ये हम फंदा बुनाई कर देंगे। देखिए, अब हमें देखिए क्या करना है। इस पर से हम ऐसे एक बार, दो बार, ये तीन बार, ये चार बार, पांच बार, छह बार, ये सातवीं बार हम करेंगे तो हमारा जो ये एक लास्ट का फंदा है वो बच जाएगा। और कितना खूबसूरत पत्ती बन के आ रहा है। इसके बाद आप देखिए फ्रेंड्स, अब इस कलर से आप ऐसे बुनाई कर लीजिए इधर के हमारे चार फंदे। तो हमारे देखिए ये डिजाइन ऐसे बनकर
पत्तियों में देखिए कितना ब्यूटीफुल ये डिजाइन बनकर आ रहा है। और इसके बाद फिर आपको 7 रो बुनाई करने हैं। हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए 7 रो। ये हमारे 7 रो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स। अब हम सेकंड डिजाइन हम बनाएंगे। चलिए देखिए हम सेकंड डिजाइन बनाते हैं। पहले फंदे को उतार लेते हैं और इसके बाद देखिए 6 फंदे बुनाई करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखिए हमने जो है 6 फंदे, एक साइड का फंदा है और 6 फंदे हमने सीधा बुनाई कर लिया है। तो हमारे ये सब मिला के 7 फंदे हुए। अब हम जो है इस फंदे पर जो है डिजाइन बनाना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक, और 1, 7 ये हो गया। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर। पहले यहाँ पे हम उनको जो है ऐड कर लेते हैं सेकंड कलर को। यहाँ पर हम सेकंड कलर को हम ऐड कर लेंगे। इसको हमने ऐड कर लिया, सेकंड कलर को ऐड कर लिए। अब देखिए हम यहाँ से बुनाई शुरू करते हैं। देखिए देखिए हमारा ये बार हुआ, ये दूसरे होल से हमने यहाँ से निकाला। ये 2 बार हुआ, ये आपको जिससे आसान पड़े, आप चाहे तो क्रोशिया से इसे निकाल सकते हैं, मैंने आपको बताया है। और अगर आपको इससे निकालना हो तो ऐसे देखिए, ऐसे देखिए इसे, फिर इसके बाद देखिए हमारे ये 7 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसे हम फंदे को बुनाई कर लेंगे इस वाले। अब इसके बाद हम बारी बारी इस पर से हम ऐसे फंदे को गिराएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। देखिए कितना ब्यूटीफुल डिजाइन बनकर आ गया है। अब फिर हम जो है ये कलर 1, 2, 3, 4 और 5, ये हमारे 5 फंदे हो गए। अब फिर हम जो है यहाँ से हम देखिए होल, आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
देखिए इसका 1 2 3 4 5 6 7 हमको 7 बार ऐसे निकालना है, तो हमारा ये होल यहाँ से ऐसे बनेगा। तो हम यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं। देखिए ऐसे करते हुए आप पूरी डिजाइन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन बनकर ऐसे तैयार हो जाएगा। ऐसे आप बनाते जाइएगा, फिर जैसे आपने फर्स्ट रो में इधर बनाया, यहाँ पर आप शुरू कर दीजिए डिजाइन बनाना। आप हमेशा 7th रो आप बुनाई करिएगा, इसके बाद इसे बनाइएगा, और ये बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत डिजाइन बनकर आता है। बच्चों में डालिए या लेडीज में डालिए, बहुत ही ब्यूटीफुल है। अब फ्रेंड्स, अगर आपको ये डिजाइन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।